चाय सुनाते हैं। इतना प्यार मिल रहा है, नहीं जो जन समक्ष मिल रहा है, मोदी जी की गारंटी, मोदी जी को विश्वास, भारतीय जनता पार्टी को विश्वास, जो कहेंगे वो करेंगे, जो जन समक्ष मिल रहा है। और सब देश के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, आपने देखा सागर में उनकी अपील को कैसे, यह एक विश्वास होना चाहिए। जब कोई बात अपने किसी के सामने कहता है तो सामने वाले को लगना चाहिए कि ये जो कह रहा है हमारे लिए कह रहा है। ये विश्वास जो बड़ा देख रहा हूँ, आदमी प्रधानमंत्री जो उनको आए टाइम ऐसा था कि लोगों लगा कि मतलब क्या होगा, लेकिन जन सैलाब इस ढंग से उमड़ा, जितना अंदर है उतने बाहर रसर उठाओ देखा। आपकी राजनीतिक कद की बात करें तो पीएम मोदी जिस दिन मंच पर थे, एक लोग के आप ऐसे नेता थे जिनसे उन्होंने स्वयं हाथ मिलाया और आपके पास आके मिले, जबकि उसमें तमाम नेता भाजपा के जौनपुर थे। आपकी राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है, इस पर क्या कहेंगे? भाजपा में बात नहीं है, लीडर का कॉन्फिडेंस एंजॉय करना चाहिए, लॉयल्टी अनडिवाइडेड लॉयल्टी होनी चाहिए लीडर का। मेरे पर विश्वास है, यही हमारी एनर्जी है। एक सामान्य कार्यकर्ता देश के और विश्व के बड़े नेता अगर हमारे कंधे पे हाथ रखते हैं, मुझसे बात करते हैं, क्या चाहिए कार्यकर्ता को, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है और ईश्वर की बड़ी कृपा है। सीएम आए हुए थे, वो कह रहे थे 25 तारीख को इतना टकाटक टकाटक बटन दबाइए कि कृपा शंकर सिंह को सांसद बनाइए, कैसे देखते हो कितनी तारीफ की मंच से आप? जब भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जाते हैं और चंबल दास मैदान में आते उनका नवाज सुख होता है। पिछली बार 2022 में उपस्थित था आदरणीय इसी मैदान में आए चंबल तारा के और गिरीश यादव जी मतलब उम्मीदवार थे, तो कृपा शंकर को लगता है कि मतलब शुभ जगह पे उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय उप मुख्यमंत्री झंडा से इन लोग सब एक अपना लगा हुआ है। मैं शेख के साथ दीपक सिंह, न्यूज स्टेट, जौनपुर। और संत कबीर नगर में समाजवादी पार्टी की रैली में उस वक्त